मुझे माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पर बिल्डर्स के लिए दो चीज बहुत ही एनोइंग होता है। सोया पहला तो आप लोगों ने देख लिया, अभी दूसरा भी देख लो। तो इसलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं लूटने वाला हूँ एन सीरीज को टोटल 10 घंटे के लिए, ताकि मेरे पास बहुत सारा सालकर बॉक्स और इलेक्ट्रा आ सके और इसके जरिए जो दोनों प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके हमेशा हमेशा के लिए। सो वेलकम बैक गाइस अपने माइनक्राफ्ट पावर एडिशन सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के अंदर, एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं लूटने वाला हूँ एन सीरीज को। बट वेट, अभी तक मैंने ड्रैगन को खत्म ही नहीं किया, तो वेल तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ एन पोर्टल के सामने, तो चलते हैं गाइस चल के ड्रैगन को जल्दी से खत्म करते हैं। ऑलराइट गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एंड में, एंड भाई साहब के स्पॉन मिला है। चलो कोई बात नहीं, इधर से धीरे धीरे करके मैं निकलता हूँ एंड फटाफट ड्रैगन को जाके खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ साथ फाइनली गाइस अपना ड्रैगन अभी खत्म हो चुका है। भाई साहब क्या ही मस्त फाइट हुआ। तो चलो भाई अभी फटाफट जो एक्सपी मिलता है उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अपना फर्स्ट काम तो कम्प्लीट हो चुका है, जो कि था ड्रैगन को मारना, एंड भाई मैंने ये फाइट कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा दिया। तो अभी स्टार्ट होता है अपना मेन काम, जो कि है टोटल 10 घंटे के लिए एनसीटी में रेड करना। तो चलते भाई इधर से। ओ भाई इसको क्या हो गया यार। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इधर से चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ऑफकोर्स इस ड्रैगन को मैं कलेक्ट करूंगा एंड अभी इस पोर्टल के थ्रू चलते हैं भाई। ऑलराइट गाइस आई मैं स्पॉन हो तो चुका हूँ एंड मुझे इस कोऑर्डिनेट को भूलना नहीं है। तो चलो गाइस इधर से अपना फास्ट आवर स्टार्ट होता है। चलो भाई फटाफट अभी काफी सारा स्लैब को मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एंड में वॉइड के ऊपर से मुझे ब्रिज तो बनाना ही होगा। तो क्राफ्ट करते हैं भाई काफी सारा, एंड अभी इसको डाल के बस चलना है मुझे दूसरे आइलैंड पर, और देखते हैं गाइस मुझे कितना ज्यादा दूर जाकर कोई एन सिटी या फिर कोई एन सिम मिलता है या फिर नहीं। वेल तो भाई दूसरा आइलैंड तो दिख चुका है, बट कोई भी सीप या फिर सिटी नहीं दिख रहा है। तो फाइनली गाइस मुझे कुछ तो अभी स्पॉट हुआ है भाई, एक एनसीटी है एंड आई डोंट नो इसके अंदर एनसी है या फिर नहीं। तो चलते भाई थोड़ा बहुत क्लोज होते हैं। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड फर्स्ट घंटा भाई इसमें ही अपना जाने वाला है, ठीक है। फर्स्ट घंटा में मुझे ज़्यादा कुछ लूट तो नहीं मिलेगा, तो चलते हैं गाइस थोड़ा क्लोज होते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, पार्ल करके उस तरफ चलते हैं। एंड नो भाई नो 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 नो, इसके अंदर कोई भी सीप नहीं है भाई, क्या है यार इतना दूर आ चुका। चलो कोई बात नहीं, इसको ही लूट लेते हैं फटाफट। ओके तो गाइस पूरा सिटी अभी लूट हो चुका है एंड इसमें बस दो ही चेस्ट था यार, क्या है भाई इतना बड़ा एनसीटी है पर दो चेस्ट। चलो कोई ना, अभी इधर से फटाफट दूसरे साइड पर चलते हैं एंड भाई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और इन लोगों को देखो भाई। तो चलो इन लोगों को ख़त्म करते हैं और फटाफट इधर से निकलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाइनली गाइस मुझे एक एंड से मिल चुका है, लेट्स गो भाई फाइनली। यार ऑलरेडी एक घंटे के आसपास टाइम हो चुका है, बट एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ज्यादा कोई भी मतलब स्लैब या फिर कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई इधर से थोड़ा बहुत को मैं माइन कर लेता हूँ एंड इसके साथ आराम से अपना काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नीचे, तो फटाफट चलते हैं भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके फाइनली गाइस मैं शिप के अंदर अभी आ चुका हूँ एंड सल्कर को भी फटाफट खत्म करते हैं। ओ भाई कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, फाइनली भाई मुझे इलेक्ट्रा तो मिल चुका है। गाइस काफी ज्यादा टाइम हो गया, एक घंटा तो कम्प्लीट हो ही चुका है अपना। तो चलो लेट्स गो भाई, फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रा आ चुका है। लेट्स गो भाई, फाइनली मेरे पास अभी इलेक्ट्रा आ चुका है इस वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम के लिए। तो चलते हैं भाई अभी फटाफट बाकी एनसीडीज को लूटते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी इस इलेक्ट्रा पे मेल्डिंग एंड जो अनब्रेकिंग 3 है उसको डालना होगा। एंड ऑफकोर्स मुझे उड़ने के लिए रॉकेट भी चाहिए, तो काफी सारा मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा गन पाउडर मेरे पास है। और अभी भाई बाकी का जो सामान है इसको मैं रख देता हूँ इंडिया चेस्ट के अंदर, जब दूसरा कोई इलेक्ट्रा मिलेगा तो उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। एंड भाई देख सकते हो भाई कैसा लूट मिल रहा है, बहुत ही ओपी भाई ओपी। और इसके अंदर ओ भाई साहब कितना सारा डायमंड्स है, ले लेते हैं भाई सब कुछ। एंड अभी अपने इन्वेंटरी भर चुका है, तो एक सर्कल बॉक्स के अंदर मैं सारे के सारे सामान पैक कर देता हूँ। चलो भाई सभी लेते हैं अपने वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइट, लेट्स गो भाई। एंड अभी जो एनसीडीज है उसको लूटने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो लूटते हैं भाई फटाफट एनसीडीज को। वेल तो गाइस इस सिटी को मैंने अभी पूरा का पूरा लूट लिया है एंड वाइस अभी सिटी के अंदर भर भर के लूटता, तो बहुत मजा आया।
लेकिन अभी ना एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसके थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और मैंने बस अभी तक दो ही एनसीडी को लूटा। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास इलेक्ट्रा आ चुका है और इसके साथ मैं अभी बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। तो चलते हैं भाई अभी दूसरे एनसीडी की तरफ। ओ भाई साहब, मुझे स्पायर आर्मर 3 में मिल चुका है। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी अपना 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है एंड भाई साहब मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ और मेरा जो इलेक्ट्रा है उसका एचपी अभी हाफ है। तो एक काम करते हैं, ये जो दूसरा इलेक्ट्रा है इस पर भी मैं अनब्रेकिंग एंड जो मेंडिंग का बुक है वो डाल देता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपी मिल रहा है जिसके जरिए ये हमेशा ही रिपेयर होते जा रहा है, ठीक है। एंड रॉकेट भी देख लो भाई कितना सारा बचा है। एंड गाइस जितना रॉकेट मेरे पास बचा है उससे लगता है कि जो नेक्स्ट 3 आवर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इन सीरीज को लूटना। तो चलते भाई अभी मैं जाके लूटने वाला हूँ। एंड भाई साहब 1 साल का वक्त तो पूरा भर चुका है, देख लो अच्छे अच्छे लूट के साथ। तो चलो भाई अभी चलते इधर से और लूटते हैं इन सीरीज को। गाइस आई थिंक मैं किसी कास्ट एरिया पर आ चुका हूँ। भाई ये कैसे पॉसिबल है यार, पूरा फ्लोटिंग है हवा के अंदर यार, किसी भूतिया जगह में आ चुका हूँ मैं भाई, कितना दूर आ चुका हूँ और ऐसे भूतिया अच्छी से मुझे देखने को मिल रहा है। चलो भाई इधर से निकलते हैं भाई, इधर से निकलने में ही बला है। तो फाइनली गाइस अभी अपना टोटल 5 घंटे कंप्लीट हो चुका है एंड इस 5 घंटे के अंदर मैंने काफी सारा इन सीरीज को लूट लिया है भाई, मेरे पास बहुत सारा लूट आ चुका है और आप लोग मेरा कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो भाई साहब कितना दूर आ चुका हूँ मैं, 25,000 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। तो चलो भाई अभी भी मेरे पास ये 32 रॉकेट बचा है और 2 इलेक्ट्रा का हालत आप लोग देख ही रहे हो। वैसे मेरे पास काफी सारा इलेक्ट्रा भी है, तो अभी गाइस मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि ये 32 रॉकेट के साथ नेक्स्ट जो 5 घंटे है वो तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो चलो गाइस अभी चल के कोई मैं गेट को देख लेता हूँ एंड मुझे थोड़ा बहुत मतलब 2-3 हजार ब्लॉक पीछे कुछ मिला था, अभी उसी डायरेक्शन पर मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस फाइनली मैं अभी गेट तक आ चुका हूँ एंड अभी इधर से कॉल करके मतलब थोड़ा बहुत जम करके मैं चलता हूँ। ओके तो भाई अभी मैं मेन आइलैंड पे पहुंच चुका हूँ और भाई उधर ही मुझे स्पॉन दिया गया। चलो कोई ना, और इधर से फटाफट उठते और चलते भाई अपने सीधे घर के अंदर। ओके भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्पॉन के अंदर एंड भाई साहब एक तो रात का टाइम है, ऊपर से स्नो भी गिर रहा है। तो चलो कोई ना अभी वेट भाई, एक्सपी भी मिल रहा है मुझे। ओके शायद कुछ पोर्टल के अंदर से गिर के आ चुका था। तो चलो भाई फटाफट घर चलते हैं। ऑलराइट गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अभी एक मस्त सा स्लीप ले लेते हैं। भाई कितने ज्यादा टाइम बाद मैं घर पे लौट रहा हूँ यार, काफी ज्यादा मजा आया। तो चलो भाई अभी नेक्स्ट डे हो चुका है एंड फाइनली गाइज अभी मैं अपने वॉल को देख सकते हो भाई अच्छे से उड़ के, भाई कितना ज्यादा मस्त लगेगा आप लोग अभी देख लो भाई ऊपर से। लेट्स गो भाई। ओ भाई साहब ये देख सकते हो भाई अपना प्यारा सा विलेज और उधर है अपना एन्चेंटिंग टावर, भाई सारी चीजें कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, है ना। और इधर अपना माइन है एंड इधर ये बेकार सा पोर्टल है, तो इसका भी मुझे कुछ करना होगा लेकिन देखा जाएगा बाद में। तो भाई उड़ने में तो मजा आ रहा है लेकिन अभी ना 5 घंटे बचे अपने वीडियो का, तो पहले जाके उसको खत्म करते हैं। एंड गाइस मैं गन पाउडर के लिए इधर आया था, तो अभी मुझे गन पाउडर कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड नहीं 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 भाई मैं कोई भी फार्म अभी बिल्ड नहीं करूंगा क्योंकि उसको मैं किसी दूसरे एपिसोड पर करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेवल पे मतलब कुछ बड़े लेवल पे बिल्ड करूंगा, ठीक है। और अभी मुझे गन पाउडर चाहिए तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ अपने आयरन फार्म पे। ओके गाइस मैं अभी अपने आयरन फार्म पर आ चुका हूँ काफी सारा ब्लॉक लेकर और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इधर क्या करूंगा। तो भाई इधर मैं एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने वाला हूँ और इसके अंदर मॉब वगैरह स्पॉन होगा और उससे जो गन पाउडर है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट इसको भी बिल्ड कर लेते हैं।
तो फाइनली गाइस अपना प्लेटफॉर्म अभी बनकर रेडी हो चुका है एंड एज आई एक्सपेक्टेड इधर आप लोग देख सकते हो मॉब्स वगैरह स्पॉन हो रहा है और साथ ही साथ क्रीपर भी। तो चलो कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत ये प्लेटफॉर्म छोटा है ना इसलिए ज्यादा मॉब अभी स्पॉन नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं गाइस जितना स्पॉन हुआ है उस सबको मैं खत्म करता हूँ और थोड़ा बहुत गन वगैरह देखता हूँ कितना मिलता है मुझे एक नाइट में। ओके तो गाइस पहला नाइट खत्म हो चुका है और पहले नाइट के अंदर मुझे टोटल 13 गन पाउडर मिला है जो कि इनफ तो नहीं है, लेकिन इसके लिए ना मुझे प्लेटफॉर्म को बड़ा करना होगा। तो एक काम करते इधर से काफी सारे डार्ट को मैं माइन कर लेता हूँ फिर से। एंड फिर से भाई ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बड़ा कर देते हैं। ऑल राइट गाइस अभी आप लोग देख सकते हो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो कितना बड़ा बन चुका है एंड अभी इधर बहुत सारा क्रीपर वगैरह स्पॉन होगा। ओ भाई साहब बोलते बोलते ही स्पॉन हो चुका है, तो चलो फटाफट सबको खत्म करते हैं। तो गाइस इधर मैंने टोटल 2-3 नाइट स्पेंड किया एंड अभी आप लोग देख सकते हो भाई मेरे पास कितना सारा गन पाउडर हो चुका है 1.5 स्टैक और अभी जस्ट इन सब का मैं जो रॉकेट है वो क्राफ्ट कर लेता हूँ और इसके साथ जितना रॉकेट बनेगा आई थिंक उसके साथ तो भाई अपना 5 घंटा कम्प्लीट हो ही जाएगा। ओके तो भाई जितना गन पाउडर मेरे पास था उन सबका मैंने रॉकेट क्राफ्ट कर लिया है और देख सकते हो भाई टोटल 5 स्टैक रॉकेट बन चुका है जो कि है ना भाई 5 घंटे के लिए। एंड मैंने काफी सारा इलेक्ट्रो में भी मेंडिंग एंड अनब्रिंगिंग का बुक डाल दिया है ताकि मैं बहुत देर तक इनके अंदर उड़ सकूं और मुझे बराबर घर नहीं आना पड़े। तो चलो गाइस चलते हैं अभी और आगे का जो 5 घंटे है उसको जाके फटाफट खत्म करते हैं एंड भाई इसको मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूँ। तो चलते गाइस इधर से और चल के इन सिटीज को फिर से लूटना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनली गाइस इसी के साथ साथ अपना 10 घंटा भी कंप्लीट हो चुका है भाई साहब। 10 घंटे के लिए मैंने इन सिटीज को पूरा लूट लिया है भाई, कितना ज्यादा लूट मिल चुका है। एंड गाइस आप लोग देख लो भाई मेरा कोऑर्डिनेट टोटल 41,000 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ फिर से भाई फिर से। एंड ये मैं दूसरे डायरेक्शन पर आया हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैं जिस डायरेक्शन पर गया था अभी मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर आया हूँ। तो भाई साहब आज बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया एंड आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है इनमें मैंने इतना ज्यादा ब्लॉक ट्रैवल किया। तो चलो कोई ना भाई अभी फटाफट घर चलते हैं और इधर मुझे एक पोर्टल भी दिख चुका है और जाके भाई मुझे सामान को भी अभी इकट्ठा करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा काम है। तो फटाफट चलते हैं गाइस इधर से और चल के आप लोगों को दिखाते हैं कितना सारा लूट मुझे मिला है। तो फाइनली गाइस आई मैं घर आ चुका हूँ एंड घर में आके मैंने सारे के सारे जो सामान थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है एंड भाई इतना सारा लूट मुझे मिल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलते हैं भाई चल के दिखाते हैं आप लोगों को कितना सारा लूट मुझे मिला है। एंड इधर भाई साहब आप लोग देख सकते हो ड्रैगन को भी मैंने इधर प्लेस कर दिया और इधर ये जितने भी चेस्ट है उन सबके अंदर लूट है, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट करें, तो भाई पहले डायमंड के सोर्स से ही स्टार्ट करते हैं एंड देख सकते हो भाई डायमंड के सॉर्ड मुझे कितना सारा मिल चुका है भाई। एंड अभी शायद मैंने इस चेस्ट पे रखा है पिकैक्स, तो भाई साहब पिकैक्स देख लो कितना सारा पिकैक्स मुझे मिल चुका है एंड सारे के सारे में एंचेंटमेंट्स है और काफी अच्छा खासा एंचेंटमेंट्स है, ठीक है। और अभी इधर शायद सबल है, तो सबल देख लो गाइस कितना सारा सबल है भाई, मतलब बहुत सारा, जैसा मुझे सॉर्ड मिला था उस टाइप का ही मुझे सबल मिल चुका है, मतलब उसके जैसा है। और इधर है भाई अपना आर्मर वगैरह, तो ऊपर में आप लोगों को हेलमेट एंड जो चेस्ट प्लेट है वो दिख रहा होगा और इधर फिर से चेस्ट प्लेट एंड जो अपना लेगिंग्स है वो है और इसके अंदर फिर से अपना लेगिंग्स एंड जो बूट है वो है भाई साहब। मतलब इतना लूट है ना कि अपना चेस्ट पूरा फुल हो रहा है। लेकिन गाइस एक चीज, मतलब मुझे एनसीटी के अंदर कोई भी एक्स वगैरह देखने को नहीं मिला, वैसे शायद नहीं मिलता होगा, है ना, आप लोग बताना मुझे कमेंट के अंदर। वैसे हो तो नहीं मिलता है ये तो मालूम है, तो चलो कोई बात नहीं अभी देखते हैं दूसरे चेस्ट में। और इधर देख सकते हो भाई सैडल कितना सारा है भाई, पूरा एक चेस्ट फुल हो चुका है और इसके अंदर है अपना हॉर्स का आर्मर भाई, कितना सारा हॉर्स आर्मर मिल चुका है भाई और गोल्ड का तो काफी सारा मिला है। और इस चेस्ट में भी देख लो गाइस कितना सारा सैडल हॉर्स आर्मर एंड भाई
आयरन देख लो कितना सारा आयरन मिल चुका है गाइस, और अभी फाइनल टाइम आ चुका है भाई मेन चीज दिखाने का, तो किसको दिखाओ। तो चलो पहले इलेक्ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब देख लो भाई इलेक्ट्रिक कितना सारा मुझे मिल चुका है, और काफी सारा इलेक्ट्रिक को मैंने अपग्रेड भी कर लिया है, तो अभी एक इधर से निकल के रख लेता हूं मैं। एंड कितना सारा टूट चुका है भाई देख लो इस 5 घंटे में, मतलब जो लास्ट 5 घंटे मैंने किया था। एंड अभी भाई एक और मेन चेस्ट भाई इसके अंदर लूट देख लो, और साथ ही साथ जो सल्कर सेल है वो भी देख लो भाई। मुझे लगता है गाइस मुझे इन फ्यूचर कभी भी सल्कर सेल फार्म बनाना पड़ेगा, और इधर मुझे आर्मर ट्रिम भी काफी सारा मिल चुका है। सो गाइस ये जो 10 घंटे मैंने स्पेंड किया इनके अंदर ये पूरा वर्थ इट है। एंड भाई लूट तो भाई आप लोगों ने देख लिया है जितना मिल चुका है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, स्पेशली खुश हूँ क्योंकि सल्कर सेल मिला है, और साथ ही साथ गाइस डायमंड भी मुझे बहुत सारा मिल चुका है जिससे मैं जो आर्मर ट्रिम है उस पर डाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अपने आर्मर को भी तो मैक्स करना पड़ेगा, 1.20 चल रहा है, और अभी अपना आर्मर भी मैक्स नहीं है तो उसको भी मुझे करना होगा, तो इसके लिए मुझे बहुत सारा डायमंड चाहिए आर्मर ट्री बनाने के लिए। तो बस गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्ड तो नहीं किया, बट जो दो चीज मैंने कलेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रा एंड सल्कर बॉक्स, ये दोनों अभी आगे के एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ठीक है गाइस, आई थिंक आज का ये जो एडवेंचर वाला वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया है, अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, तो गाइस सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग जल्द से जल्द 10K तक पहुंच पाए। तो ठीक है यार, फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।